नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ की बैठक होगी। यह बैठक 50वीं वार्षिक सामान्य निकाय की होगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां 2 दिन के शिविर कार्यक्रम में शामिल होंगे और जीआईसी में सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि करीब 5000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे 17,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उनके दिल्ली वाले घर पर ईडी ने छापा मारा था और 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वहीं न्यूज क्लिक के फाउंडर और एचआर चीफ बुधवार को कोर्ट पहुंचे, अपनी अर्जी में पुलिस पर एफआईआर की कॉपी नहीं देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने को कहा है। वहीं बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सुभाषपा प्रमुख और एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि आज तक ईडी और सीबीआई ने ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। निश्चित है कि कुछ प्रमाण और सबूत मिले होंगे, तभी देश की जांच एजेंसियां ऐसे नेताओं की धरपकड़ कर रही हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों की शुरुआत होगी। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे से पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैचों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में गुरुवार से मौसम साफ होगा, हालांकि तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।